सोरेन परिवार की इनर पॉलिटिक्स पे बड़ी खुली खिली टिप्पणी चाहता हूँ। आनंद, आपसे शुरुआत करूँगा। इनकी पत्नी साली, दोनों के नाम पर जमीन घोटाले का आरोप है, बसंत सोरेन का भी मामला है। इनर डायनेमिक्स क्या है सोरेन परिवार की, क्योंकि हम सब जानते हैं कि शिबू सोरेन अपने राजनैतिक उत्तराधिकारी के तौर पर दुर्गा सोरेन को तैयार कर रहे थे। हेमंत सोरेन तो कहीं थे ही नहीं, लेकिन दुर्गा सोरेन की जब मृत्यु होती है असमय, उसके बाद हेमंत आगे आते हैं। आनंद सर, इसमें यह है कि ये बात सही है कि इनके भाई जो बसंत सोरेन, जिनके ऊपर भी विधायक के जाने की तलवार लटकी हुई है, वो बीजेपी के या मतलब विपक्षी पार्टियों के संपर्क में थे कि पार्टी को तोड़ी जाए और इनको एक इम्पोर्टेंट पद दिया जाए, जिसके बाद वो उस गुट को लीड करते या फिर मतलब जेएमएम के धरे को लीड करने के लिए वो तैयार थे। लेकिन इस बीच ये हुआ है कि हेमंत सोरेन ने उनके साथ बैठ के बातचीत की है, उनके जो भी प्रॉब्लम मतलब जो भी थी बातें उनको सॉल्व किया है और कहा है कि जब आने वाला टाइम में मतलब हम जब अगली ये जब हमारा विश्वास मत या फिर जो ये चुनाव आयोग का फैसला वाला जैसे सीन क्लियर होगा तब हम मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे और उसमें उनको जगह दी जाएगी। सेम लाइन उन्होंने अपने परिवार के दूसरे मेंबर जो विधायक है सीता सोरेन, जो उनकी भाभी है, तो जो उनकी भाभी है उनके साथ भी हेमंत सोरेन ने सेम बातचीत की है। वो इसलिए क्योंकि उनकी भाभी पिछले एक साल से लगातार अपने कभी डायरेक्टली तो कभी इनडायरेक्टली वो इस पे हेमंत सोरेन सरकार खासकर हेमंत सोरेन पे पर्सनली अटैक कर रही थी, लेकिन जब खुद से मामला नहीं बना तो उन्होंने दोनों बेटियों को आगे किया। अब उसके बाद उन दोनों बेटियों से मेरी जब बातचीत हुई थी कुछ महीना पहले ही, तो उनका कहना था कि चाचा तो बहुत अच्छे हैं लेकिन चाचा के आसपास के लोग बहुत खराब। क्या नाम है दुर्गा सोरेन और सीता सोरेन के बच्चों के? एक का नाम मैं दोनों का भूल रहा हूँ, बेटियां हैं जी, मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, कोई बात नहीं बताइए। तो उन दोनों ने मेरे से ये कहा था कि चाचा तो अच्छे हैं, चाचा हमारी बात भी सुनते हैं लेकिन बात सुनने के बाद उस पर कुछ करते नहीं। यही वजह थी कि उन दोनों बहनों ने अपने पॉलिटिकल स्टेज के लिए दुर्गा सोरेन नाम की सेना का गठन किया था और उसके माध्यम से बाकी जिलों में उनके संगठन से वही लोग जुड़े जो ग्राउंड पे जेएमएम के लिए काम करते थे, जो छोटे कार्यकर्ता थे, जो सोशल मीडिया के लिए काम करते थे, जिनको उम्मीद थी कि सरकार में आने के बाद हमें सोशल मीडिया टीम में कुछ जगह मिलेगी या कुछ भी आर्थिक लाभ होगा, और उनको वो लाभ मिला नहीं तो वो सारे लोग कट के दुर्गा सोरेन सेना में शिफ्ट कर गए थे। लेकिन अभी जो सियासी उठापटक के बीच हेमंत सोरेन ने अपनी भाभी को भी बुला के बातचीत की है, जब अगली सरकार हम अगली जब जैसे ये संकट खत्म होता है हम आपकी जितने मतलब जो भी हम आपको मंत्रिमंडल में जगह देंगे। ये बिल्कुल ही ऑफ रिकॉर्ड बातचीत थी जो जेएमएम के बड़े मतलब जो हेमंत सोरेन के करीबी लीडर्स हैं, हालांकि वो विधायक नहीं है, उन्होंने किसी को कहा था उस वक्त, क्योंकि मैं वहां खड़ा था तो मैंने ये बात सुनी थी। तो उनके परिवार में तो दिक्कतें थी, दिक्कतों को कुछ टाइम के लिए हेमंत सोरेन ने सॉल्व किया है। अब ये देखना हुआ कि उन दोनों को ही जगह देते हैं और उसके बाद जो आधे घंटे 10 मिनट पहले जो मैं बात कह रहा था कि जेएमएम के बाकी 7 लीडर जिन्होंने अब पार्टी का संविधान दिल्ली कुछ लॉयर्स के पास भेजा है, अगर ये इन दोनों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं तो वो 7 एमएलए वाला जो टीम है वो फिर से एक्टिवेट होगा और इनके ऊपर फिर से पार्टी के अंदर का जो कलह है वो नए सिरे से उभर के आएगा जी। और गूगल देवता के मुताबिक उनकी 3 बेटियां हैं, जिसमें 2 बेटियां जो राजनीतिक फ्रंट बनाकर एक्टिव हैं, उनका नाम जयश्री और राजश्री है। आनंद भाई जी सर जी,